3, 2, 1, go. Cook Studio, Season 15. इसका पहला फ्रेम देखो तुम. ऑफ कोर्स माउंटेन्स. और तुम्हें पता है पठान लोग सुरमा लगाते हैं आंखों में और ये टोपी पहनते हैं. अरे वो चादर है जो वो लेते हैं. कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है पूरी. अब इसलिए ये इस तरह से वो उनका बनाना और स्टोन्स. ये खुशबू के लिए ऊद. ज्वंदस्ता बेलशाने दे हर कले जक्कवम जप्पा दरवाजे स्तरगो तो ब्लैक ऑफ माय आईज. मालख कोला हमने एप्पल ऑफ माय आईज सुना है. सर्वमा लक्काले वाने ब्यूटीफुल. यू आर ब्लैक ऑफ माय आईज. लारदा में खाने 10 लाखों सदाश्वत खोला उस पर ले रागे पर दुनिया सुझ में चिप्या दसी कोले तमियो मकाम तेरे सोले नशे मत. गाने को हम डिस्कस करेंगे आखिर में, मगर तुम वीडियो में देखो उसने स्टोन पहना हुआ है, उसने वेस्टकोट पहनी हुई है, शलवार कमीज पहनी हुई है. दे प्लेइंग लूडो पश्तून गैदरिंग और फिर उनकी चाय और कहवा. और ये खुशबू है पीछे. ये इस्माइलीज बनाए हैं जो कि ओरिजिनली पठान ही है. इसकी मेलोडी इतनी खूबसूरत है. इन्होंने माइक के साथ भी कुछ किया हुआ है पता है, कलर्स लगाए हुए, मोती लगाए हुए. और ये पश्तून टिपिकल पश्तून इंस्ट्रूमेंट उसने वो भी पहने. ये लड़की ने वो छोटी सी जैकेट और ये रुबाब है. रुबाब लाइक इंस्ट्रूमेंट है. और इस तरह मेरी सारी पठान दोस्तों के अब्बू इसी तरह दिखते थे. रिंग्स हर वॉइस इज ब्रेथ टेकिंग. बच्चा जा रहा है. ये अब लड़के वो डांस परफॉर्म करेंगे जो ये ग्रुप डांस करते हैं क्या, उसको क्या कहते हैं, उसको कुछ कह रहे हैं. जो भी हो मैं मिक्स हो गई हूँ. एक तो ये डांस का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, आपको याद आएगा मुझे जरूर बताएं. The voices are so soul touching and so beautiful. Accurate representation. अरे बारिश हो रही है, मैं सबको बताती हूँ बारिश का क्या मतलब है. So beautiful. I can't take my eyes away. Can't stop watching it. अभी बारिश हो रही है. इट्स अ कन्फेशन. मुझे ना ये नहीं पता हु डेड ए बेटर जॉब, लड़की की आवाज़ ज़्यादा बेहतर थी या लड़के की. और मैं एक बात बताती तुम्हें, तुमने ना हम लोगों को कुछ 5-10 साल पहले टर्किश ड्रामास दिखाना शुरू किए गए थे और उनका म्यूज़िक होता था उसमें, उनके गाने होते थे, उनकी लैंग्वेज होती थी. तो विद टाइम आवर पीपल फेल इन लव विद टर्किश कल्चर. हमको वो अच्छे लगने लगे. उसमें बहुत सारी हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी थी, इनसिक्योरिटीज़ भी थी, मगर वो हमें ना अच्छे लगने लगे. हम उनका म्यूज़िक भी सुनने लगे, उन सब का कल्चर भी देखने लगे. हमें आवाज़ें उनकी नहीं समझ आती थी मगर हमें अच्छा लगता था क्योंकि हम उनको जब देखते थे
और उस जिस तरह से वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते थे तो हमें बहुत ही ड्रीमी लगता था, बहुत ही खूबसूरत लगता था, बड़े हमारे ड्रीम्स बनते थे उसके साथ, बड़ा विजुअल थिंकिंग हो जाती थी हमारी कि यार अच्छा ये वो पीते हैं, एक चाय पीते हैं मगर दूध वगैरह के बगैर, सिंपल चाय पीते हैं, या वो कहवा, जिस तरह पठान बहुत कहवा पीते हैं, तो उनकी ड्रिंक्स, उनका कुछ छोटा मोटा खाना, उनका अंकरा का फुटेज, और वो सब मुझे याद है। तो उसमें कुछ एक दो गाने थे जो हम मेरे साथ भी रुक गए और लोगों के साथ भी रुक गए, उसका मतलब ना समझने के बावजूद हम वो सुनते थे गाना। अब ये पश्तो गाना इतना खूबसूरत है कि मुझे उस टाइम की याद दिलाता है कि अगर एक गाना अच्छा हो और कैची हो और सही से डिलीवर किया जाए तो वो लैंग्वेज का बैरियर तोड़ देता है। बिल्कुल मुझे इतनी खूबसूरत इसकी पश्तून लैंग्वेज लगी, उनका कल्चर लगा, उनकी ज़बान की मिठास लगी, उसका तलफ़ुज़ लगा कि मुझे भूल गया कि ये पश्तो गाना है और ये तो हमारे पास में ही कुछ किलोमीटर दूर लोग बोल रहे हैं। मुझे लगा कि ये कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड किस्म का म्यूज़िक है। तुम्हें पता है जब गाना अच्छा होता है तो तुमने देखा होगा अफ्रीका का कोई गाना भी वायरल जाता है टिकटॉक पे, स्पेनिश भी चला जाता है, कोलंबियन हो, ये हो, वो हो, मगर जब गाना बहुत अच्छा हो, मैं तुम्हें ये गारंटी से कह सकती हूँ, दिस सॉन्ग इज़ सो गुड, इट्स सो ब्यूटिफुल कि ये वायरल जाने की, मतलब इसके 99% चांसेस हैं कि दिस विल गो वायरल। तो मैं याद है पिछले साल कनायारी किस तरह से लोगों के दिलों में उतरा था और किसी को समझ नहीं आती थी कि क्या बोल रहे हैं। अल्टीमेटली लोगों को समझने की कोशिश करने लगे, वो मतलब निकालने लगे, सर्च करने लगे। और ये गाना इतना खूबसूरत है कि I can't believe it's in Pashto, I can't believe the Pashto can sound this beautiful. मैं वीडियो सब बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा सा गाना एक्सप्लेन करूँगी और फिर मैं वापस आऊँगी कि मुझे अच्छा कितना लगा, फिर मैं आई रूल ओवर इट एज़ यूजुअल। पर इट्स ब्यूटीफुल, मुझे उसके लिए ना नीचे एग्री या डिसएग्री कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अप्रूवल नहीं चाहिए आपका कि 15 लोग एग्री करें। दिस इज़ ए मास्टरपीस। पश्तो का कोई कभी इतना अच्छा गाना रिलीज़ हुआ ही नहीं, पश्तो लैंग्वेज को कभी इतना ऊपर लेके गया ही नहीं गया, कभी पश्तो लैंग्वेज को इतना एजाज़ हासिल ही नहीं, इतना ऑनर किया ही नहीं गया। दिस इज़ एट, सबसे ऊपर एक बार सेट कर दिया गया है, इससे नीचे मैं कोई पश्तो का गाना नहीं सुन रही, इफ़ इट्स नॉट दिस गुड। इससे पहले भी कोक स्टूडियो ने बहुत सारे नहीं, दो तीन कम से कम पश्तो गाने रिलीज़ किए हैं, बट दिस वन इज़ इंटरनेशनल, दिस वन इज़, ये सारे बैरियर्स तोड़ता है, ये सारे दिल को खोलता है। लेकिन पोएटिक सीन हो गया कोक स्टूडियो के साथ। गाने की बात करूँ तो इट्स अ सॉन्ग अबाउट टू लवर्स, सीक्रेट लवर्स हैविंग अ डायलॉग विद ईच अदर बट प्राइवेटली। गाना स्टार्ट होता है, लड़का खुद से बात कर रहा होता है, जैसे अगर आप किसी से, आपका क्रश है या आप किसी से मिलते हो एंड यू आर इन लव विद हिम और हर, तो आप क्या करते हो ना कि अभी कन्फेशन नहीं हुआ है तो आप अपने आप से बात करते गए, यार तुम क्या है और ये कौन है, या मैं इसके बारे में ऐसा क्यों फील करता हूँ, या मुझे इससे बात करना क्यों पसंद है, या मुझे इसकी कंपनी क्यों पसंद है, मुझे इसका खाना खाना क्यों पसंद है, तो आप खुद से बात करते हो। स्टार्ट में लड़का यही क्वेश्चन कर रहा होता है खुद के साथ कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरे आँखों का, यार एप्पल ऑफ माई आई, और उसको पश्तो में इतना खूबसूरत कहता है कि मेरी आँखों का काला हो तुम, ऐसे इतनी खूबसूरत बातें करता है कोई क्या। तो वो उस तरह से डिस्क्राइब करता है कि आई लाइक यू और मैं इमेजिन करता हूँ और मैं ये करता हूँ, बट हु आर यू टू मी, व्हाट्स योर स्टेटस। तो सॉरी, फिर लड़की की बात बारी आती है और मैं अभी आवाज़ों पे जाऊँगी नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है और क्या है, वो तो लग रहा था 50 Shades of Grey वाली आवाज़ें आ गई बहुत। तो वो लड़की आती है, उसके बाद ये कहती है कि लड़की के लड़के का क्वेश्चन होता है खुद से ही कर रहा होता है कि तुम कौन हो, मैं खुद से ये पूछता हूँ, यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यू आर वेरी डियर टू मी। तो फिर लड़की आती है और वो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि आई फॉल फॉर यू बट आई हैव फॉलन, इट्स ऑलरेडी टू लेट, और मैं तो इंतज़ार करी हूँ एक सिग्नल का, आई एम ऑलरेडी इन लव, बट तुम कन्फेस तो भाई कुछ बोल दे, कुछ मतलब तुम करो कुछ, मतलब मैं आई एम ऑलरेडी इन,
द गेम, तो तुम कुछ सिग्नल दे दो, कुछ बोल दो, आई ऑलरेडी लव यू। उसके बाद अच्छा लड़की को पश्तो भी आती है और इंग्लिश में तो क्या ही गा रही है। उसके बाद दोनों आते हैं एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग विच इज़ कन्फेशन विच रिप्रेजेंट्स दोनों कन्फेस कर रहे हैं अपना प्यार। दोनों आ जाते हैं, दोनों की फीलिंग सेम थी, दोनों अपने आप से डायलॉग बाजी चल रही थी, फिर सामने एक दूसरे के आके द इट स्टार्ट्स पोरिंग रेन विच इज इक्विवेलेंट टू पोरिंग वर्ड्स। दे कन्फेस देयर लव टू ईच अदर और उस कन्फेशन का मतलब ये है कि वो आवाज़ों, वो बातों की बारिश, वो सब कुछ कह देना कि मैं कितने देर से तुमसे प्यार करता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ और हाउ मच आई लव यू, हाउ मच यू आर डियर टू मी। और लड़की बोल रही होती है और वो सीक्वेंस वो इतना खूबसूरत है आवाज़ों पे, मैं ये तुमको समझ आ गया, इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अबाउट टू सोल्स फॉलिंग इन लव विद ईच अदर। लड़की का वो लाइन है कि यू आर माई सोल मेट, हर कले इतना, हर कले का मतलब मुझे क्यों नहीं पता लगा अभी तक, हर कले इज़ लाइक लव, गुले का मतलब होता है प्यार। भाई आई हैव फॉलन इन लव विद पश्तो लैंग्वेज, आई एम सॉरी। द वॉइसेस, लड़की हैज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब। मेरे पास और हमेशा कोई डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होता है, मेरे पास ब्यूटिफुल के अलावा कोई वर्ड है नहीं। इनक्रेडिबल जॉब, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो इंटरनेशनल, द इंस्ट्रूमेंट्स, द म्यूजिक, कलर ग्रेडिंग और वीडियो को तो तुमने वीडियो देखी। मुझे लगता है कि जुल्फी बहुत लंबी गेम प्लान कर रहे हैं। हाँ पिछली बार मैं गई थी, कर रहा है वो, मुझसे तो बहुत बड़े हैं और उनका वो भी बहुत बड़ा है रुतबा। प्लीज़ मैमुना, मुझे लगता है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम कभी भी कोचेला में परफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमको ऑस्कर्स में बुला लिया जाए, कभी भी हो सकता है कुछ भी अवार्ड मिल सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, मैं पश्तो लैंग्वेज में भी गाना बना लूँ, इंग्लिश में भी बना लूँ और इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। ये बड़ी गेम है सर, ये कोई दो पाकिस्तानी, चार पाकिस्तानियों के लिए, तीन पठानों के लिए नहीं बनाई जा रही, ये बनाई जा रही है जूज़, वो जो इल्यूमिनाटीज हैं, ये जो दिल्यूमिनाटीज हैं, ये जो इंडियंस हैं, ये जो अंडरग्राउंड हिसाब किताब है, ये कहीं पर सीरियल किलर लगा के सुन सकता है ये गाना। इस गाने की ये टेंडेंसी है कि अफ्रीकन लोग के पास खाना नहीं है मगर वो ये लगा के सुनेंगे एंड दे विल हैव सम होप, सम गुड टाइम दे विल हैव। तो ये कोचेला में परफॉर्म होगा, रहमा को तो मैं, अच्छा मैं पिछले सारे गानों में ये कर रही हूँ कि जितने भी सिंगर्स होते हैं उनको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करती हूँ, नो वन गिव्स मी अ फॉलो बैक, दैट इज अनदर स्टोरी, बट इट आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। अब मेरे पास अभी एक मोमेंट, मेरे पास इतना कुछ कहने को था और अभी मेरे पास कुछ नहीं कहने को, बट आई वुड से दिस इज ए मास्टरपीस, दिस इज ए पश्तो अ पख्तून मास्टरपीस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट वर्क। मैं बेचारे में हथौड़ा, मैं मेरे ना वो भी ख़त्म हो गए कि मैं अभी नए तरीके से किस तरह से एक्सप्रेस करूं, मैं खुद को, कोई बंदा मुझे गोते दिया करे या तो पानी में, मुझे नहीं लगता कि मैं सही तरह आपको बता भी पा रही हूं कि ये कितना अच्छा है। तुम ना हेडफोन्स लगाओ, वीडियो लगाओ, वीडियो देखो, उसके बाद बंद करके तुम गाने की अलग ही फील है। गाना मैंने तुम्हें बता दिया इस तरह का है कि तुमने ज़ेन मलिक का वो सुना गाना 50 Shades of Grey का, I don't wanna live for a... इतनी सेड्यूसिंग आवाज़ है और इतनी खूबसूरत आवाज़ है और इतनी रोमांटिक आवाज़ है और इतनी टचिंग, इट्स वेरी मूविंग, इट्स वेरी इम्पैक्टफुल, इट्स वेरी स्ट्रांग येट सो स्वीट, सो पेनिट्रेटिंग, सो योर सोल डांसेस टू दीज वॉइसेस, दिस इज द वॉइस ऑफ एन एंजल। रहमा की आवाज़ तुम सुनोगे तो आपको कमीला कबेलो याद आ जाएगा, आपको हवाना याद आ जाएगा। ये मैं इस गाने को डेफिनेटली रेट करूँगी और मैं इन गानों को उसमें डालूंगी कि तुम्हें पता है डेस्पासीटो लोगों को कितना पसंद आया था, किसी को क्या था ये कोलंबियन लैंग्वेज में है, क्या है डेस्पासीटो, बट दिस इज़ दैट लेवल। बताती हूँ फ़र्क क्या है,
डेस्पासीटो पे 1 बिलियन से ज़्यादा व्यू है, और 1 बिलियन नहीं है मेरे ख्याल से 4-5 बिलियन है। वो मोस्ट वॉच्ड सॉन्ग है ऑन यूट्यूब, और मोस्ट वॉच्ड वीडियो थी, फिर उसके बाद वो बेबी शार्क डू 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 ने टेक ओवर कर लिया। मगर वो किस लेवल तक पहुंचा, दुनिया का सबसे बड़ा सॉन्ग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्ड सॉन्ग है वो, और ये गाना दे आर ऑन द सेम लेवल। आई एम नॉट किडिंग, ना ना ना, दे आर ऑन द सेम लेवल। मगर ये उतना रीच क्यों नहीं करेगा मैं बताती हूँ। जो बाहर के लोग हैं जब एक अच्छा गाना सुनते हैं, जब वो एक अच्छा पीस ऑफ आर्ट उनके पास से गुजरता है, उनके कानों को गुजरता है, उनकी आंखों को गुजरता है, तो दे आर मूव्ड बाय इट, दे लव इट, दे इन्जॉय इट, दे सेलिब्रेट इट। हमारे यहाँ लोगों को समझ नहीं आ रही। तो मैं वो पता है ना कि एक फ़कीर होता है ना जब, तो उसको ना कहीं से कूड़े में से ना हीरा मिलता है, तो वो कहता है यार ये क्या है, साइड पे फेंकता है और फिर रोटी ढूंढने या चीज़ें ढूंढने लग जाता है। उसको खाने से मतलब, उसको क्या लगे कि हीरा है ना। वो उसको एक और भी कहते हैं लंगूर को अंगूर, या मतलब बंदर गया जाने अदरक का सब, है ना। उसको क्या पता गया यार, अब लोगों को नहीं पता इस गाने का क्या करना है, या ये कितना बड़ा मास्टरपीस है, या कितना ये ऊंची लेवल की चीज़ है, या कितना इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको कितना सेलिब्रेट करना चाहिए। पश्तो लेकर के उन्होंने क्या कुछ दिखा दिया आपके कल्चर का, उन्होंने कितना कुछ राइटिंग किया, कितना काम किया आर्टिस्ट ने, कितनी आवाज़ों को उन्होंने कहा नहीं रीडू करो रीडू करो, मुझे यहाँ पे रुबाब चाहिए, यहाँ पे डांस चाहिए, मतलब दिस इट्स सो मच वर्क दे पुट इन दिस। और आप, मैं तो चलो 30 मिनट का वीडियो होगा और आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, मतलब आप इसको 15 दफ़ा सुनकर 6 लोगों के साथ शेयर करके और उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यू आर लाइक इट्स जस्ट अनदर सॉन्ग, इट्स नॉट। तो बाहर के लोग अपना म्यूज़िक, अपना आर्ट, अपना रूट्स, ना सिर्फ वो प्राइड लेते हैं उसमें, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो उसको चेरिश करते हैं, और हम नहीं करते हैं। हम तो करते हैं, आप नहीं करते हैं, इसलिए ये उस लेवल तक नहीं जाएगा। मेरे बस में हो, दिस सॉन्ग एटलीस्ट डिज़र्व्स 500 मिलियन व्यूज़। इट्स टू गुड, इट्स टू गुड। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग अ पॉइंट, दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ ब्यूटिफुल। मैं इसको बार बार सुनूंगी, और एडिट करते हुए सुनूंगी, और रात में सोते हुए सुनूंगी, और कल सुनूंगी, और परसों सुनूंगी, और एक साल बाद भी सुनूंगी। आपका क्या स्टेटस है, आपको कैसा लगा है? रेटेड मेरे लिए इट्स 9.8, इट्स 9.8, एंड देर इज नो सॉन्ग इन द वर्ल्ड विच इज 10। ये द मोस्ट रेटिंग है ही 9.8। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट मंथ। थोड़ा आप स्लोली स्लोली नहीं आ सकते हो यार, इस हफ्ते मत आओ, इसको हमको एब्जॉर्व करने दो 5 गानों को। और क्या ही उसने पाथ पेव किया है पाकिस्तान, कोक स्टूडियो ने, कोक स्टूडियो भारत का तुमने सेट चेक किया है? अभी मैं उसको रिएक्ट करूँगी, तुम देखो कौन कौन लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, कौन कौन लोग सीख रहे हैं। थैंक्स टू जुल्फी, लॉन्ग लिव, गॉड ब्लेस यू। ओके बाय, सब्सक्राइब दिस वन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डाइव नो, अप्रिशिएट करें प्लीज़। अगर आप के पास अल्फाज नहीं है मेरी तरह, या आप उतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो आप मुझे सब्सक्राइब करो, मैं सेलिब्रेट करूँगी, मैं अप्रिशिएट करूँगी, आई डू द वर्क, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डाइव नो, बाय, लव यू, गुड नाइट।